प्रणाम नारायण, प्रणाम माता। आप दोनों यहाँ इस प्रकार? हाँ नंदी जी, हम महादेव से भेंट करने आए, उनसे एक विशेष कार्य है। एक विशेष संदेश देना है उन्हें। प्रभु, माता, महादेव एक दीर्घ अवधि के उपरांत जब यहाँ लौटे तो अत्यंत आवेश में थे और यहाँ आते ही वो गहन ध्यान में लीन हो गए हैं। कोई बात नहीं नंदी जी, हम एक अति विशेष कार्य से आए हैं, आप चिंतित ना हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव हमें देख के अत्यंत प्रसन्न होंगे। चलिए देवी लक्ष्मी। नारायण, स्थिति की गंभीरता क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे चिंता हो रही है, कहीं महादेव अपने ध्यान में आए व्यवधान से पुनः क्रोधित हो गए तो। प्रभु, नारायण मुझे क्षमा करें, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, किंतु महादेव को इस समय इतनी ध्वनि भाएगी नहीं। प्रभु, मेरा तात्पर्य है कि यदि इनका मृदन वादन इतना आवश्यक है तो ये अवश्य करें, किंतु उसकी ध्वनि तो कम कर सकते हैं ना? नारायण और माता लक्ष्मी ने तो मेरे निवेदन को जैसे अनसुना कर दिया, कहीं अब कोई भीषण अनर्थ तो घटित नहीं होने वाला है यहाँ? प्रणाम महादेव। महादेव, मैं और मेरी पत्नी आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा करने आए हैं। महत्वपूर्ण चर्चा? किंतु इतनी भी क्या महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है नारायण, जो आपको स्वयं देवी लक्ष्मी के साथ यहाँ कैलाश आना पड़ा? मेरी बहन, जो संसार में शैलपुत्री, पार्वती और काली नाम से विख्यात है, हम उसके विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। मेरी बहन पार्वती, जो मेरे ही अंश हिमालय पर्वत के अधिपति महाराज हिमावन की इकलौती पुत्री है और अपने राजभवन संपूर्ण सुख सुविधाओं के साथ पली बड़ी है। उनके राजभवन की तुलना में आपका भवन थोड़ा छोटा अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि विवाह के उपरांत महाराज हिमावन आपके लिए विशाल भवन अवश्य बनवा दें। क्यों देवी लक्ष्मी? ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? मेरे प्रभु महादेव तो त्रिलोक के अधिपति हैं, संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में समाहित है, सूर्य एवं चंद्र सभी के ऊर्जा के स्रोत तो वो ही है, कैलाश का ये सर्वोच्च शिखर उनका सिंहासन है, उन्हें भला किसी भवन की क्या आवश्यकता? किंतु मेरी बहन, दुर्लभ और बहुमूल्य आभूषण ही धारण करने की अभ्यस्त है, इसीलिए हम शगुन स्वरूप महादेव के लिए स्वर्ण, हीरे एवं अन्य आभूषण लेकर आए हैं। माता लक्ष्मी, ये तो सर्वज्ञात है कि महादेव तो सभी संसारिकता के परपंचों से परे हैं, उन्हें इन बहुमूल्य वस्तुओं का कोई मोह नहीं। मेरे महादेव तो मात्र भस्म में रमते हैं। किंतु मेरी बहन सर्वगुण संपन्न है, अद्भुत सौंदर्य है उनका,
और महादेव जगत पिता है, त्रिकालदर्शी है, परम ब्रह्म है। अब बस भी कीजिए नाथ, मुझे ज्ञात है कि आपको अपनी बहन पार्वती पर बहुत गर्व है। आप यहाँ उनका प्रस्ताव लेकर आए हैं तो उनकी इतनी प्रशंसा करना तो स्वाभाविक है। आपकी बहन सर्वगुण संपन्न है तो महादेव भी महादेव हैं। उनकी महिमा की भी कोई तुलना संभव नहीं, इसीलिए अब आप बात आगे बढ़ाइए। महादेव, आप मेरी बहन पार्वती के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। सोच लीजिए महादेव, यदि आपका विवाह मेरी बहन पार्वती से होता है तो कैलाश में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी। नारायण, आप कदाचित भूल रहे हैं, पार्वती आपकी इकलौती बहन और महाराज हिमावन की इकलौती पुत्री होगी, किंतु वो मेरी शक्ति, धन, समृद्धि, भवन, आभूषण इत्यादि से आप मेरी आदिशक्ति का संबंध जोड़ रहे हैं, किंतु कदाचित आप भूल रहे हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी है और जो कुछ भी होगा वो तो स्वयं उन्हीं का साकार रूप है, दिव्यता की ये मूर्त रूप है, जगत जननी है, प्रकृति है, समस्त ऊर्जा की स्रोत है, वो है तो मैं, क्योंकि शक्ति रहित शिव तो शव है। सर्वतः उचित कहा महादेव, मैं तो केवल आपको टटोल रहा था, क्योंकि जब आपने बहन पार्वती को देखा तो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आप गुफा से प्रस्थान कर गए, तो हमें आभास हुआ कि शायद आप अभी भी विरक्ति की अवस्था में, किंतु अब आपके इस कथन से हमें ज्ञात हो गया है कि देवी पार्वती आपके कण कण में बसती हैं, आप उनसे विलग नहीं। तो हम इसे आपकी स्वीकृति समझे? महादेव, देवी पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन, हमें वहाँ जाना चाहिए। किंतु नारायण, यदि पुनः वही हुआ जो पूर्व में हुआ था तो क्या पुनः मैं उस असहनीय वेदना को सह सकूंगा? जो मैंने देवी सती के वियोग में सही थी, नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं। उससे तो उत्तम यही है कि मैं इसी प्रकार अपने ध्यान में लीन रहूं, और आपने अपनी बहन के सभी गुण तो गिना दिए, किंतु उनके दोष उसका उल्लेख नहीं किया आपने। उस समय जब राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी, कितना हट था उनके स्वभाव में, मेरे उचित सुझाव को अनसुना कर दिया था। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु इसके बाद भी मैं कदापि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अभी आप ही ने कहा कि हट उचित नहीं, और अब आप ही अपने हट पर अडिग हैं। उचित है फिर,
मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूँ, इसीलिए मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। इसका कितना भीषण परिणाम हुआ था, उन्होंने आत्मदाह कर लिया और मैं तभी से उस विरह की अग्नि में झुलस रहा हूं। इसलिए अब जब वो देवी शैलपुत्री का रूप धारण कर प्रकट हुई है और उनके स्वभाव के हट के कारण उन्होंने समय आने पर मेरे शब्दों का सम्मान नहीं किया, तो फिर कहीं मेरा दुख संसार की क्षति का कारण न बन जाए। किंतु महादेव, अपनी बहन के मृत शरीर के 51 अंशों में विभाजन करना मेरे लिए भी सरल नहीं था। अत्यंत पीड़ादायक था, किंतु ये केवल आपके और देवी पार्वती के सुख या हित तक ही सीमित नहीं, जगत पिता हैं आप, आपके कर्तव्य व्यक्तिगत स्वार्थ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, और आपके विवाह से संसार का कल्याण भी जुड़ा है, क्योंकि ताड़कासुर का अंत एकमात्र आपकी संतान के द्वारा ही संभव है। महादेव, दीदी पार्वती आपका सानिध्य पाने के लिए व्यग्र है, और मुझे ज्ञात है कि आपके हृदय की गहराई में यही प्रबल इच्छा छिपी हुई है। मेरी विनती स्वीकार कीजिए महादेव, देवी पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। नहीं, नहीं, नहीं। किंतु क्यों महादेव? नारायण, मेरे विषय में सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप मुझे टटोल रहे थे, यहां आकर एक प्रकार से आप मेरी परीक्षा ले रहे थे, तो मैं भी देवी पार्वती से विवाह उनकी परीक्षा लेने के उपरांत ही करूंगा। हाँ नारायण, मुझसे विवाह करने हेतु देवी पार्वती को परीक्षा देनी होगी और उसमें सफल भी होना होगा। महादेव, माता पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे, किंतु क्यों? हाँ ब्राह्मण देवता, माता ने तो कितनी निष्ठा और भक्ति भाव से महादेव की सेवा की थी, तो फिर अब उनकी किसी भी परीक्षा की क्या आवश्यकता थी? माता, लौह भी तप कर ही स्वर्ण बनता है, और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि माता पार्वती पूर्ण रूप से महादेव के प्रति समर्पित थी, किंतु उन्होंने जो भी किया वो तो उनके पिता महाराज हिमावन की इच्छा से उनके आदेश का पालन करने हेतु किया था। किंतु अब महादेव ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जहां माता सती के प्रेम में हठ सम्मिलित था, वहीं माता पार्वती उस हठ से सर्वथा मुक्त थी। उचित है ब्राह्मण देवता, किंतु आप हमें ये भी बताने का कष्ट करें कि फिर महादेव ने माता पार्वती की परीक्षा कैसे ली? अवश्य बताऊंगा महाराज, क्योंकि अत्यंत अद्भुत थी ये परीक्षा।
पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आ रहा हूँ। विचित्र बात है, वो महायोगी बस वहां से प्रस्थान कर गए, उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। प्रभु, प्रभु, नहीं, उन्होंने तो मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो महादेव की पत्नी बनने की अधिकारी हो। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूं। तथास्तु। स्वामी, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, किंतु देवी मैना, अब हमारी पुत्री काली 16 वर्ष की हो गई है। माँ आदि शक्ति ने पार्वती के जन्म से पूर्व वरदान दिया था कि हमारी पुत्री का जन्म महादेव से विवाह करने के लिए हुआ है। इसीलिए सेवा भाव को और भी प्रखर करने हेतु मैंने उसे महायोगी जी के पास सेवा करने के लिए भी भेजा था, किंतु महायोगी भी अचानक कहीं चले गए हैं। स्वामी, पुत्री की चिंता तो माँ को सदैव ही रहती है, किंतु पुत्री का मोह भी तो माँ को नहीं छोड़ता, इसलिए अब मैं पुत्री पार्वती के विवाह में इतनी शीघ्रता नहीं चाहती, विशेष रूप से तब जब उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होने वाला हो जिससे हम भली भांति परिचित भी नहीं। ये आप क्या कह रही हैं देवी मैना? महादेव से उसका विवाह नियति है उसकी, नियति है उसकी, किंतु ज्ञात नहीं है महादेव अचानक कहां चले गए हैं, उन्हें कहां ढूंढूं मैं, कब और कैसे उनका सानिध्य प्राप्त होगा हमारी पुत्री को। पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आ रहा हूं। क्या हुआ पार्वती, अब अचानक से तुम इतनी विचलित कैसे हो गईं? क्या नहीं, मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा।
सर्वशक्तिमान होते हुए भी ईश्वर सरल मार्ग नहीं चुनते, अपितु परीक्षा का मार्ग अपनाकर सभी को संदेश देते हैं कि जीवन में कुछ भी सरलता से प्राप्त नहीं होता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।